हाय गाइस, मैं सुधीर कोवे, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और आज हम लोग सिग्नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। सिग्नेचर ये बड़ी अमेजिंग चीज है। आपको याद रहेगा कि जब आपको सिखाया गया था तो हैंडराइटिंग सिखाई गई, ए किस तरह से लिखना है, बी किस तरह से लिखना है, देवनागरी में अ आ कैसे लिखना है, ये सब आपको सिखाया गया। लेकिन सिग्नेचर ये चीज आपने कॉन्शियसली चूज किया हुआ है, तो सिग्नेचर करते समय कुछ रूल्स नहीं थे और बाकी राइटिंग के वक्त रूल्स थे। तो सिग्नेचर आपके कॉन्शियस माइंड का एक सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है। आपने कॉन्शियसली एक ऐसी चूज जो आपको पसंद थी उसको चूज किया है, तो कॉन्शियसली यू हैव एक्सप्रेस द सबकॉन्शियस विल ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सिग्नेचर ये पब्लिक इमेज कहलाता है। सिग्नेचर मतलब आप किस तरह से पब्लिक में प्रेजेंट होगे, किस तरह से आप दिखोगे, ये आपके सिग्नेचर से पता चलता है। तो आज हम इसी सिग्नेचर के बारे में और थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। डॉटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डॉटिंग रखे सिग्नेचर में, तो क्या क्या पता चलता है, किस तरह से डॉट के कारण क्या क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, चार तरह की डॉटिंग होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला है कि चार तरह के डॉटिंग होते हैं, तो लेट्स अज्यूम ये सिग्नेचर है। तो यहां पे आप अलग अलग जगह पे डॉटिंग कर सकते हो। आप यहां पे दो डॉट दे सकते हो, आप सेंटर में दो डॉट दे सकते हो, आप ये यहां पे दो डॉट दे सकते हो और आप यहां पे भी डॉट दे सकते हो। तो अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब ये फर्स्ट नंबर पे जो डॉटिंग होते हैं, जैसे कि हमने एक पेज नाम के वीडियो में आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड ये ओरिजिन का होता है, तो यहां पे जो डॉटिंग आता है नंबर वन, ये डॉटिंग दिखाता है कि इस इंसान को अपने घर वालों के साथ रहने में मजा आता है और ये अपने खुद के घर वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, अपने खुद के ट्राइब के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नंबर टू को डॉटिंग जो है ये बाहर वाले लोग जो कि दोस्त और कजिन्स हैं, तो हम इसको बोलते हैं कजिन लाइक फ्रेंड्स या फ्रेंड्स लाइक कजिन्स, इस तरह से उनका एटमॉस्फेयर घर पे बनता है। तो इन लोगों की दोस्ती बड़ा अच्छे से हो जाती है और ये काफी घुल मिलने वाले लोगों में से होते हैं, काफी अडेप्टेबल एडजस्टेबल ये लोग होते हैं। नंबर तीन के डॉटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये घर हो गया, ये घर के थोड़ा बाहर का हो गया और ये जो है नंबर तीन, ये स्ट्रेंजर्स मतलब ये अनजान लोगों के साथ ये ज्यादा लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये इजीली किसी भी आदमी से बात कर लेते हैं, इजीली किसी भी आदमी के साथ इनका दोस्ती हो जाता है और इस तरह से ये नंबर तीन जो है, दीज पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स। तो दोस्तों, ये जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ नंबर का जो डॉट है जो कि लाइन के एग्जैक्ट सामने आता है, अब ये डॉट जो है अगर एग्जैक्टली लाइन के अपोजिट में है तो दिस पर्सन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेरी थिंग्स, मतलब ये बहुत पर्टिकुलर रहता है। जैसे हो गया शाम को 4 बजे चाय पीना है, सवेरे 6 बजे खेलने के लिए जाना है, तो इस तरह का जो पर्टिकुलरनेस है उसमें वो पर्टिकुलर रहता है अगर वो लाइन के एग्जैक्टली डॉट करेगा तो। पर अगर यही डॉट थोड़ा सा वेवी हो जाए या कभी यहां पे आए, कभी यहां पे आए, कभी यहां पे आए, तो दिस पर्सन विल बिकम वेरी मूडी एंड इनकंसिस्टेंट विथ हिज पर्टिकुलरनेस। तो ये चार डॉट्स है जिसके बारे में अगर आप एनालिसिस करते हो ये सब चीजें पता चलती है। इसमें से कोई भी डॉट अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी पोजीशन अच्छी या बुरी नहीं है, इट जस्ट माइंड सेट। चाकू अच्छा या बुरा नहीं होता, अगर चोर ने यूज किया तो तकलीफ होती है और डॉक्टर ने यूज किया तो किसी पेशेंट की जान बचती है। तो इसमें से कोई भी डॉट अच्छा या बुरा नहीं है, सब डॉटिंग जो है उसका खुद का एक मीनिंग है और ये मीनिंग मैंने आपको आज समझाया। इस तरह के आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए और अधिक आपको ये सब डॉटिंग या अलग सिग्नेचर के बारे में आपको जानना है, आपका खुद का भी सिग्नेचर आपको ठीक करना है, तो आप हमको हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा आईडी है sudheer@sudheerkove.com। तो इस आईडी पे आप मेल भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह की इनका इंफॉर्मेशन चाहिए हैंडराइटिंग के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, या हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसको हम स्मार्ट साइंटिफिक लोगो बोलते हैं उसके बारे में, तो आप हमको इस मेल आईडी पे मेल भेज के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।